अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अदीन टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में अनबॉक्स करेंगे वीवो Y21T को। वीवो Y21T अभी ऑफिशियल पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2 फरवरी को इसका स्टॉक मार्केट में डिलीवर कर दिया जाए। एक्सपेक्टेड प्राइस 35,000 रुपीज़ है। अभी अनबॉक्स करके देखते हैं क्या मिल रही हैं चीज़ें और कैसी ये डिवाइस। स्पेक्स में जिसको हाईलाइट किया जा रहा है वो स्नैपड्रैगन 680 है। इसको हम टेस्ट कर चुके हैं इससे पहले रियलमी 9i के अंदर, और इसके अलावा 4GB रैम का वेरिएंट है जिसमें 1GB एक्सटेंडेड है और 128GB की यहाँ पे स्टोरेज मिलेगी। तो बाकी अनबॉक्स करके देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन है, बॉक्स में कैसे मिल रही है डिवाइस। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग वीवो Y21T की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएंट मेंशन है। 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट है। सबसे पहले इसकी रैपिंग उतार लेते हैं। बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कवर रखा हुआ है। इसमें यकीनन सिलिकॉन केस होगा। ओपन करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ पेपर वर्क है और इसके अलावा ये सिलिकॉन केस मिल रहा है, और इसके अलावा बॉक्स खाली हो चुका है। अब है हमारी डिवाइस, इसको रैपिंग से बाहर निकाल लेते हैं और ये है हमारे पास इसका वाइट कलर। खूबसूरत है, देखने में सेम वैसा ही है जिस तरह वीवो Y20 में मिल रहा था। ऑन कर लेते हैं इसको। लोगो आ गया है इस पे, जब तक ये ऑन हो रहा है मजीद कंटेंट देख लेते हैं बॉक्स का हमारे पास मजीद क्या होगा। ये कुछ आईमी स्टिकर्स हैं, इसके अलावा एक चार्जर मिल रहा है, और इसकी अगर हम पावर देखें तो ये 18W का चार्जर है जो कि आउट ऑफ बॉक्स आपको दिया गया है। डिवाइस सपोर्ट भी 18W की फास्ट चार्जिंग करती है। इसके अलावा एक चार्जिंग केबल मिलती है जो कि टाइप सी कनेक्टिविटी है। यहाँ पे टाइप सी कनेक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, और इसके साथ साथ बॉक्स में मजीद हमारे पास इमेज एडिटर टूल रखा हुआ है लास्ट में। तो ये वो एसेसरीज हैं जो Y21 के बॉक्स में मिलती हैं। इसको साइड पर कर देते हैं और अब डिवाइस चेक करते हैं। फोन हमारे पास ऑन चुका है। सबसे पहले इस डिवाइस का डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी देख लेते हैं। बैक साइड आप देख सकते हैं शाइनी है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड है, और कैमरा बम थोड़ा सा बाहर है बॉडी से। थिकनेस 8mm की है, ज्यादा कोई स्लिम डिवाइस नहीं है। लुक बेसिस है बैक साइड से इसका वही लग रहा है। और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। अप साइड पे सिम ट्रे मिल रही है, और यहाँ पे आपको 3 कार्ड स्लॉट प्रोवाइड की गई है, 2 नैनो सिम और 1 डेडिकेटेड स्लॉट दी गई है मेमोरी कार्ड के लिए। यहाँ हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नैनो सिम का ऑप्शन आपको मिलेगा और 1 डेडिकेटेड स्लॉट मेमोरी कार्ड के स्लॉट दी गई है। 128GB की स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा के। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। और नीचे के साइड पे ऑडियो जैक मिल रहा है 3.5mm का, चार्जिंग जैक मिल रहा है, टाइप सी कनेक्टिविटी, और उसके अलावा स्पीकर ग्रेड मिल रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें, आप ब्राइटनेस फुल कर देते हैं, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले लग रहा है। लेकिन एक चीज़ ने मुझे यहाँ पर डिसअपॉइंट किया इसके रेजोल्यूशन ने, यहाँ पे आपको 35,000 रुपये की प्राइस के अंदर भी HD+ रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि 720x1600 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन हमें मिलेंगे। ब्राइट तो अच्छी है, वाइट कलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन आउटडोर पर चेक करेंगे आउटडोर में किस तरह परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि 35,000 रुपये की प्राइस के अंदर भी HD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है। मजीद यहाँ पे स्पेक्स देखें तो फंटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम 12 के साथ आता है आउट ऑफ बॉक्स, और इसके अलावा यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 की चिपसेट लगाई गई है। इसको हमने ऑल भी पहले भी चेक किया दूसरी डिवाइसेस के अंदर। इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 पे आ रहा है जो कि बेस करता है फंटा जो ऑपरेटिंग सिस्टम 12 पे। कैमरा ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, हमारे पास कैमरा में क्या फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके पास फ्रेम काउंटर इस तरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सुपर मैक्रो मोड यहाँ पे दिया गया है, सुपर मैक्रो मोड पे चेक करते हैं किस तरह की इमेज आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूम करने पे भी पिक्सल्स नहीं फट रहे, डिटेल्स अच्छी नजर आ रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स भी अच्छे हैं। सुपर नाइट मोड मिलता है यहाँ पे हमारे पास। वीडियो सेक्शन पे जाते हैं, पहले मजीद ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे मजीद क्या हमारे पास मिल रहे हैं। मोर में देखते हैं, मोर के फीचर में हमारे पास 50 मेगापिक्सल का ऑप्शन है,
इमेज प्रो का ऑप्शन है, काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे मोर के फीचर के अंदर भी। सेटिंग में जाके देखें अगर तो वाटरमार्क, शटर साउंड और उसके अलावा पोर्ट्रेट फ्रेम का ऑप्शन हमें मिलेगा, प्राइवेसी स्टेटमेंट वगैरह के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो सेक्शन में जाते हैं तो 2x जूम तक जाती है डिवाइस। वीडियो के सेक्शन में जाके देखें तो यहाँ पे आपको वीडियो कैपेसिटी H.264:6 मिल रही है। और एक कैमरा शॉट भी ले लेते हैं सैम्पल चेक करने के लिए किस तरह की पिक्चर आती है, नॉर्मल पिक्चर कैप्चर की है इसमें भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे लगा। इसके अलावा बैक साइड जैसे मैंने बताया ग्लॉसी डिज़ाइन है और लुक बहुत अच्छी है, लेकिन Y20 सीरीज के अंदर भी इसी तरह की थी। कैमरा सेंसर्स की बात करें तो बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल के साथ, मेन कैमरा दिया गया है, बाकी दो दो कैमरे अलग लगा गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और स्नैपड्रैगन 680 की परफॉर्मेंस से पहले हम चेक कर चुके हैं Realme 9i के अंदर। तो कैसी लगी आपको डिवाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।